जस्टिस फॉर 12th फेल स्टूडेंट्स 2022, बिहार बंद 23 मार्च 2022। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 मार्च 2022 को सभी स्टूडेंट्स पटना चले। हर बार ऐसे ही 15 दिनों में रिजल्ट कैसे जारी किया जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है, रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि फेल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फेल वालों को कीजिए पास, 23 मार्च को पटना चले, स्क्रूटनी पर भरोसा नहीं, कंपार्टमेंटल का मान्यता नहीं है। अगर आप फेल वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को पूरी जगह शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें। छात्र जिंदाबाद। जी हां दोस्तों, छात्र जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर 15 दिन में रिकॉर्ड कैसे बन रहा है, रिजल्ट 15 दिन में ही लाखों स्टूडेंट्स का कैसे जारी किया जा रहा है। यहां पर सोचने वाली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी में जो कि 70,000-80,000 सीट होती है, जिसके माध्यम से रिजल्ट जारी करने में 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, और बिहार बोर्ड 16-16, 17-17 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट मात्र 15 दिन में कैसे जारी कर रही है। आखिर दोस्तों ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। जो दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या विचार रखते हैं नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इंटर रिजल्ट 2022 को लेकर बड़ी खबर, रिजल्ट में भारी गड़बड़ी, छात्रों ने किया हंगामा, इस बार सभी होंगे पास, 23 मार्च को इंटर रिजल्ट दोबारा जारी होगा। दोस्तों यहां पर बता दें कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, बिहार बोर्ड की तरफ से लिया गया जो सबसे बड़ा फैसला, वह स्टूडेंट्स के हित में ही है। जी हां दोस्तों, यहां पर बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट फिर से जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों यहां पर एक बात अच्छी तो यह है कि आप लोगों को बता दें कि इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए इतनी बड़ी खबर, जैसे कि बार बार 15 दिन में रिकॉर्ड नया कायम करने के चक्कर में बिहार बोर्ड हर तरह की गड़बड़ियां हो रही है। दोस्तों यहां पर स्टूडेंट्स का कहना है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं का मानना है कि बिहार बोर्ड अपना नाम को ऊंचा करने के लिए बहुत जल्दी कॉपी का चेकिंग करते हुए रिजल्ट को घोषित कर दिया है, जो कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें भी बहुत जगह पास कर दिया गया है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले थे उन्हें भी बहुत जगह फेल कर दिया गया। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिए नीचे में कि 23 मार्च 2022 को हम लोगों को जो करना चाहिए या नहीं, जितना भारी मात्रा में कमेंट आएगा उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि 16 तारीख को 3 बजे रिजल्ट जारी किया गया था। मात्र 15 दिन में रिजल्ट जारी करने का मतलब क्या बनता है? यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि इतना जल्दी रिजल्ट कैसे जारी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट को जारी करने में दोस्तों कई महीने लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट 15 दिन में जारी करना ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों यहां पर बता दें कि कुछ उपयोगी लिंक जहां पर आप क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरी माने तो सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख चुके हैं। अब यहां पर 23 मार्च को पटना चलना है सभी विद्यार्थी को किसी भी हाल में रिजल्ट को लेकर। यहां पर फेल छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि आखिर 15 दिन में रिजल्ट को कैसे जारी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर रही है बिहार बोर्ड रिजल्ट को लेकर, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों यहां पर बता दें कि फेल वालों को पास किया जा रहा है और पास वालों को फेल किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं छात्रों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसको लेकर छात्र बोल रहे हैं कि हमको स्क्रूटनी पर और कंपार्टमेंटल पर कोई भरोसा नहीं है, कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट दोबारा से चेक होना चाहिए, दोबारा से जांच किया जाए, दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। पटना 23 मार्च को कौन कौन चलना चाहता है नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।